और पेगासस जासूसी कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसकी जांच हो या फिर ना हो इसे लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या जासूसी की इजाजत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें जानना है कि क्या इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, क्या सरकार ने इसका इस्तेमाल किया, क्या ये कानूनी तरीके से हुआ। सरकार की तरफ से वकील ने कहा है कि हम विशेषज्ञों की कमेटी बनाने को तैयार हैं। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया इसमें कि कानून मंत्री पहले ही जासूसी के आरोपों का खंडन कर चुके हैं। निपुण सहगल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। निपुण, पूरी खबर बताएं, फिलहाल क्या और जानकारी इस पर, सुनवाई जारी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में प्रतिमा इस बात पर पेंच फंसा है कि सरकार आगे कुछ नहीं कहना चाहती है इस मामले पर, और जो पहले स्टैंड लिया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, सिर्फ उसी बात पर टिकी है। इस बात का विरोध कर रहे हैं कपिल सिब्बल, जो याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से हैं, और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गलत है कि सरकार कोर्ट को कहे कि हम आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। इस समय सॉलिसिटर जनरल बचाव कर रहे हैं सरकार की के पक्ष का, और ये कह रहे हैं कि कोर्ट को जानकारी नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहा है। हमने सिर्फ ये कहा है कि सार्वजनिक रूप से हलफनामा दाखिल नहीं कर सकते और कमेटी बनाएंगे, कमेटी कोर्ट को रिपोर्ट देगी। तो कमेटी का गठन होगा या कोर्ट अपनी तरफ से कोई और एसआईटी का गठन करेगा, ये सब अभी प्रक्रिया सुनवाई के दौरान तय हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया निपुण आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, इसमें पेगासस जासूसी कांड पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर अभी फिलहाल वहां पर यह सुनवाई जारी है, पक्ष रखा जा रहा है। कमेटी बनाने की मांग जो थी उस पर भी सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा जा रहा है। जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।